हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है रथ, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रथ यात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं थोड़ा देर में आउटफिट भी दिखाऊंगी अपना। तो चलो गाइज, थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, जल्दी से जाते हैं। यहाँ पे मेरे होम टाउन में बहुत ही अच्छा रथ यात्रा होती है, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो चलो मैं निकलती हूँ, तब तक के लिए टाटा। तो गाइज, आप लोग इसको ब्लॉग में बहुत दिन बाद देखे होंगे, बहुत समय बाद। तो ये भी रेडी होके आ चुकी है, देखो इसका कितना ब्यूटीफुल आउटफिट लग रहा है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है। आपका दिखा है अभी, आप लोग मेरा भी देखो। तो गाइस, ये मेरा आज का आउटफिट है, तो आप लोग कमेंट पे बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। आप लोग कमेंट जरूर बताना कितना अच्छा अच्छा आउटफिट पहनते, पर आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो आज स्पेशली रथ यात्रा के लिए मेरा आज ट्रेडिशनल वेयर है। हेलो गाइस, ताका नहीं दिखे, ताका दिखे, ताका कैमरा दिखे, ताका। हेलो गाइस, हाय कर दे। देखो, देख सकते हो गाइस, इसका आज का आउटफिट, आज का आउटफिट बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, ब्यूटीफुल गाइस। ये है मेरा भैया का बेटा, भतीजा है मेरा, पर बहुत बड़ा लग रहा है ना, बुआ लगे, बुआ है तू कौन? और बुआ ये बुआ तो, हाँ हम लोग बुआ लगे। बेचारा शर्मा रहा है, सी ऐसे ऐसे से करके भाग रहा है। बुआ लगे पर हमसे बड़ा। इधर आओ, इधर आओ, मेरे सब्सक्राइबर लोग को हाई बोलो। हेलो गाइस, गाइस अभी रेडी होके खड़े हैं, और ये लोग अभी तक रेडी नहीं हुई है, बहुत ही ज्यादा आज गर्मी है। इतना दिन तक बारिश हो रही थी, पर रथ के दिन बारिश नहीं हुई है। तो चलो देखते हैं लोग पहले रेडी हुई है कि नहीं हुई। गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है ये लोग इतना देर बाद, और पीयू सबके का मेकअप किए, थैंक यू पीयू। तो देख सकते हो कितना मस्त आउटफिट पहनी है सबको। दिखाओ रोमी, तुम भी अपना फिट। और हम लोग के तरफ से आप सभी को हैप्पी रथ यात्रा की बहुत सारी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलो हम लोग चलते हैं मेला, और उसके बाद फिर आप लोग को मेला का दिखाऊंगी व्यू। फोटोशूट हो रहा है, न्यू अपना जीरो साइज फिगर दिखा रही है, इधर पे क्लिक हो रहा है, और इधर पे ये बोर्ड होके बैठा है। सो गाइज, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, और मेरे घर के जस्ट सामने में होती है रथ यात्रा, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो देख सकते हो हम लोग सबको मिल के जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ये रहा काली मंदिर, तो आप लोग को इसके पहले ब्लॉक में भी देखे होंगे, दिवाली वाले ब्लॉक में काली मंदिर का। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ फाइनली रथ मेला फील्ड में। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है, और अभी आके पता चला कि रथ चली गई है। तो कोई नहीं, आने टाइम का आप लोग को मैं दिखाऊँगी, क्योंकि 4:30 बजे रथ यहाँ से निकल चुकी है। और ये रहा मेरा होम टाउन का राजबाड़ी, जो कि पहले ब्लॉक में ही मैं दिखा चुकी हूँ, तो आप लोग एक बार फिर से देख लो। और गाइस, ये मूंगफली किसका किसका फेवरेट है आप लोग कमेंट पे जरूर बताना। और देख सकते हो अभी रथ थोड़ी देर में आ गया, और यहाँ पे भीड़ कितना ज़्यादा क्राउड है, पैर रखने का भी जगह नहीं है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं बाल भी बात ली, क्योंकि इतना क्राउड है ऊपर से, इतना ज़्यादा गुम्मस, गर्मी भी था। पर कोई नहीं, रथ में तो घूमेंगे मेला में, क्योंकि ये बचपन से देखते आए हैं, और मेरे मोहल्ला में ही लगती है। और देख सकते हो कितना हैंडमेड सामान भी मिल रही है रीज़नेबल प्राइस में, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, ओनली 50 रुपीज़ करके ये सबका प्राइस है। और यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड के साथ, मेरी मामी लोग भी, मेरी मासी आई हुई वहाँ पे बैठी हुई है, और बाबू भी यहाँ पे कुछ खरीदी है अपना, क्योंकि ये जीत करके हर एक मेला में खरीद लेती है, पर कोई नहीं, बच्ची है। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं आइसक्रीम के दुकान में, और गाइस आइसक्रीम ऑर्डर दे चुके हैं, पर बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, बाप रे, इतना पसीना भी हो रही थी। और फाइनली मैं मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम ली हूँ, ये वाला, तो मेरे को ये वाला बहुत ही पसंद है, चॉकोबार वगैरह से भी ज़्यादा पसंद है, पर ये लोग चॉकोबार लिए। और फाइनली हम लोग आइसक्रीम खा के थोड़ा सा तो रिलैक्स फील कर रहे थे। तो गाइस अभी हम लोग लिए हैं आइसक्रीम मैंगो वाला, और ये लोग लिए हैं चॉकोबार, और बहुत ज़्यादा ही गाइस भीड़ है, पर कोई नहीं, इसी में इंजॉय लग रहा है। तो गाइस फाइनली अंधेरा होने वाला है, रात ना चली गई हम लोग के आने के पहले, तो अभी आएगी थोड़ी देर में, और सब हमको देख रहे मेला में, इस तरह करते कभी देखे नहीं, पर कोई नहीं, ब्लॉगिंग चलना चाहिए। तो तुम लोगों को कैसा लग रहा है बताओ, गर्मी में इतना? ए, आ जाओ कैमरे के अंदर। तो अभी हम लोग वेट कर रहे रथ का, क्योंकि रथ आएंगे फिर हम लोग, मतलब छुएंगे, प्रणाम करेंगे, फिर जाएंगे घर। अंधेरा भी हो चुकी है, अभी आ ही रही है रास्ता में।
और गाइस फाइनली देख सकते हो सामने रथ आ रही है। थोड़ा सा दूर में देखो पानी ऊपर से फेंका जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है क्योंकि ये सीधा रथ है। तो देख सकते हो कि क्राउड सीधा रथ में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उल्टा रथ, मेरे को ऐसा लगता है, पर आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है। पर देख सकते हो पूरा एकदम बजना, जो ढोल वगैरह है सब बज रही है और सब नाचते नाचते आ रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है रथ के टाइम पर। और मेरे होम टाउन पर तो बहुत ही अच्छे से रथ यात्रा होती है। आप लोग देख सकते हो कितना छोटा सा जगह में इतना भीड़ है, ऊपर से मेला भी लगी है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी देखो और इंजॉय करो। और गाइज मैं खड़ी हूँ क्योंकि मेरे को रथ टानना है, पर इतना भीड़ है आप लोग देख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, ऊपर से इतना गर्मी है, पर कोई नहीं रथ तो टानना ही है क्योंकि रथ यात्रा के दिन रथ टानना बहुत शुभ होती है, आप लोग को ही पता ही होगा। तो आ गई है फाइनली रथ और मैं फाइनली टच कर चुकी हूँ रथ का वो रस्सी जो होती है उसको। देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है, बाप रे इतना टेला टेली हो रहा था, पर टानना तो ज़रूरी होती है गाइज। आप लोग भी खींचे ही होंगे और जय जगन्नाथ हर हर महादेव। तो जो भी है गाइज आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है, और मैं प्रसाद यहाँ पे मांग रही थी तो प्रसाद भी मिल चुकी है। इतना भीड़ में प्रसाद लेना भी अलग ही मज़ा होती है, और ये सब ना बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ मेरे होम टाउन पे। तो मेरे होम टाउन पे रथ के दिन रहना ना बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, भले ही कोई त्यौहार में रह नहीं रहे, पर होम टाउन में रथ के दिन रहना बहुत ज़रूरी होती है। और गाइज देख सकते हो सामने में एक बच्चे लोग का लगा है ना, तो सब कोई मतलब अपने अपना इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे लोग का भी कुछ लगाए हुआ है। और इधर पे इतना गर्मी लग रही थी ना, पर कोई नहीं, थोड़ा देर में फाँका हो जाएगी, वेट कर रहे क्योंकि अभी जैसे ही लगेगी रथ वहाँ पे सब प्रसाद लेंगे, फिर खाली हो जाएगा धीरे धीरे। और राज भाई से इधर पे पानी भी दे रही थी, और देख सकते हो गाइस मैं आप लोगों को ऊपर से थोड़ा व्यू दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा भीड़ है, मतलब पैर रखने का भी जगह नहीं थी, देख सकती हो कितना ज़्यादा, सब कोई प्रसाद भी ले रहे हैं। मैं भी जाके वहाँ पे प्रणाम करूँगी थोड़ी देर में, पर उसके पहले आप लोग को एक बार दिखा दी कि कितना ज़्यादा आप लोग देख सकते हो क्राउड है, बाप रे ऊपर से इतना गर्मी आज, मतलब क्या ही मैं बोलूँ कितना गर्मी। बारिश होने वाली थी पर बारिश भी नहीं हुई, पर कोई नहीं, चलो अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए, बहुत ही अच्छा लगा मेरे होम टाउन पे। और अभी कृष्ण राधा जी को यहाँ से लेके जा रहे मंदिर में रखते घर पे, और फाइनली मैं आ चुकी हूँ चाट पकौड़ा के दुकान में। तो यहाँ पे चाट तो खाना बनता ही है, बहुत टेस्टी भी था, पर मैं खाने का वीडियो नहीं बना पाई इतना गर्मी में, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं आ चुकी हूँ उसके बाद फुचका के दुकान में, तो फुचका भी मेरे होम टाउन का बहुत ही टेस्टी होती है, तो मैं फाइनली इसका भी टेस्ट कर चुकी हूँ। तो अब घर जाने का टाइम आ चुकी है, तो मैं घर जाते जाते एक बार रथ को फिर से टच करके प्रणाम भी कर ली। और यहाँ पे रथ रहता है गाइस इस जगह पे, मतलब 12 महीने यहीं पे होती है, बस 7 दिन के लिए बाहर पे रहता है रथ। तो फाइनली मैं अभी घर जा रही हूँ। सो गाइस फाइनली आ चुके हम लोग घर, तो आप लोग देखे होंगे कितना ज़्यादा गर्मी था, ऊपर से इतना ज़्यादा क्राउड था, तो ज़्यादा देर रहे नहीं, आ गए। अभी भी मेला है पर बहुत ज़्यादा आज गर्मी, बाप रे सबका हालत खराब हो चुका देख सकते हो। और गाइज आप लोग को भी फिर से मैं बोल रही हूँ कि हैप्पी रथ यात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलो गाइज मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, अगर चलो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ही जल्दी एक अमेजिंग ब्लॉग के साथ लौटूंगी, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर एवरीवन।